बहुत सारे फंक्शन है, मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। आप लोगो वगैरह प्रिंट कर सकते हैं, बारकोड प्रिंट कर सकते हैं, और कुछ भी अगर अपना प्रोफाइल फाइल बना रहे हैं लोगो वगैरह के साथ, ठीक है, कंपनी का एक डिटेल बनवा रहे हैं, तो वो बना के आप पेन ड्राइव के थ्रू इसमें जो है आप इजेक्ट करके जो आराम से लगा के जो है आप इसको यूज कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक और नई धमाकेदार वीडियो में। दोस्तों आज अपनी इस वीडियो में मैं आपका स्टैम्प को लेके जो भी दिक्कतें हैं उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके आया हूँ। जैसे आपको पाउच पे या आपको डेट की स्टैम्प लगानी है या फिर आपको मैन्युफैक्चर बाय जो ये आप मल्टीपर्पज पाउच यूज करते हो या कॉमन प्रिंटेड पाउच यूज करते हो, इनमें मैन्युफैक्चर बाय नहीं होता है, तो अगर वहां पर आप अपने नाम की जो आपकी फर्म है उसके नाम की स्टैंप लगाना चाहते हो, पूरी डिटेल लिखना चाहते हो, तो आप उन स्टैंपों से लगा सकते हो। साथ में आप नेट वेट और ये पैक डाउन डेट वगैरह सब इन स्टैंपों से डाल सकते हो। मैं आज आपको इस वीडियो में दो तरीके की स्टैंप दिखाऊंगा। अगर आप इन दोनों स्टैंपों में से किसी भी स्टैंप को लेते हो तो आप अपने काम को बड़े आसान बना सकते हो और किसी भी तरीके की पन्नी या पाउच पे आराम से स्टैंप लगा सकते हो। जो आप लड़िया लेते हो, इनामी पाउच, वैसी जितनी भी लड़िया होती है सब पे आपको स्टैंप लगानी होती है डेट और एमआरपी की, वो तो कंपलसरी होता है, उसके लिए आपको स्टैंप यूज करनी पड़ेगी। वो स्टैंप आज आपको मैं इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो हेलो सर, फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। बिल्कुल हाँ जी सर, स्टैंप के बारे में बताइए हमारे दर्शकों को कुछ। जैसे अगर बजट किसी का कम है, ठीक है, तो वो मैनुअली लगा सकते हैं, जो मैनुअली इस तरह का आता है आपको, और अगर किसी का बजट ऑटोमेटिक में है तो वो ऑटोमेटिक लगा सकता है। मैं पहले मैनुअल के बारे में बताता हूँ, फिर आपको मैं ऑटोमेटिक में लेके चलूँगा। तो मैनुअल में इस तरह के स्टैंप आते हैं, ठीक है, ये इंक आ जाता है इस तरह का, आपको परमानेंट इंक जिसको बोलते हैं, और इस तरह के इसमें नंबर आ जाते हैं, अल्फ़ाबेट्स, एक नहीं काफ़ी सारे तरह के आपको अल्फ़ाबेट्स आ सकते हैं। जैसे आपको FSI नंबर लिखना है, MRP प्रिंट करना है, एक्सपायरी डेट प्रिंट करना है, चाहे बॉक्स पे प्रिंट करना हो या आपको जो पाउच पे प्रिंट करना हो, और इस 4 लाइन, जैसे आपने एक लाइन प्रिंट किया तो इसमें बैच नंबर डाल दिया, दूसरे में MRP डाल दिया, तीसरे में आप जो मैन्युफैक्चरिंग बाय XYZ जो भी कंपनी, जैसे मेरा अशरफ इंटरप्राइजेस है तो आप अशरफ इंटरप्राइजेस डाल सकते हो। तो उसी तरीके से आप जो है और भी कुछ उसमें डालना चाहते हैं तो वो डाल सकते हो। तो मैं आपको एक डेमो करके दिखा रहा हूँ। इसमें क्या है कि मैंने जैसे कि नंबर सेट्स कर दिए हैं, ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि इस तरह का मैंने नंबर्स कुछ सेट कर दिए हैं, और ये आपका इस तरह का पोर्टेबल होता है, आप आराम से जो इसको इंक लगा के और ऐसा लगा सकते हैं, ठीक है। आपने इस तरह का फिटिंग कर लिया इसको, ये देखिए इस तरह का फिट हो गया और ये हमारी मशीन जो है रेडी हो गई। हम पहले किसी पेपर पर ऐसे मार के देख लेंगे कि कैसे हमारा जो है सही आ रहा है नहीं आ रहा। अब जैसे ये ब्लैंक है, यहाँ पे कुछ भी प्रिंट नहीं है, तब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इस तरह से ऐसे लग के, ठीक है, ऐसे प्रिंट कर दूँगा। तो ये देखिए आपको जैसे आ रहा है ना, MRP आ रहा है, 2020 आ रहा है और 2021 आ रहा है एक्सपायरी डेट, ठीक है। तो ये सारा चीज़ आपका ऐसे इस तरह से जो है प्रिंट हो जाता है। ये हो गई मैनुअल की बात। अगर किसी का बजट मैनुअल में है तो वो मैनुअल जो है आपको बुक कर सकता है, ऑनलाइन आप जो है जो भी अमाउंट बनेगा, जैसे हमारा मैनुअल मशीन का रेट है 2600 रुपये, वैसे मार्केट जो रेट होता है आपका 3500 रुपये होता है, लेकिन हम आपको डिस्काउंट रेट में 2600 रुपये दे रहे हैं, प्लस कुरियर चार्ज भी हम अपनी तरफ से देते हैं, आपको कोई कुरियर चार्ज नहीं देना है। हमारा आप अकाउंट डिटेल मंगा के जो है उस पर पेमेंट करके, या आप अपने मेरे ऑफिस दिल्ली या दरभंगा वाले ऑफिस पर आके जो बिहार में है, और दिल्ली वाला ऑफिस जो हमारा इंदौर लॉक में, वहाँ आके आप परचेज कर सकते हैं, ठीक है। मतलब 2600 रुपये में आप जो भी मंगवाएगा उसके घर तक आप भिजवा कर। जी 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 जी। और प्लस दूसरी चीज़ हमारी ये मेटल बॉडी में आता है, तो इस वजह से आपका जो है एक तो प्रोडक्ट की क्वालिटी, बिल्ड क्वालिटी बिल्कुल स्ट्रांग है, तो कभी ख़राब भी नहीं होगा, टूटने का भी डर नहीं है, तो ये आपका लाइफ लॉन्ग चलने वाला प्रोडक्ट है, ठीक है। तो इसके साथ जो ये नंबरिंग होती है फ्री आती है? हाँ, ये नंबर्स फ्री आते हैं, और इंक आपको हम काफ़ी सारा देते हैं, अगर इंक ख़त्म भी हो जाता है तो आप हमसे भी मंगवा सकते हैं, अगर आपके नियर बाय भी इंक मिल जाता है, आप किसी भी प्रिंटर वाले के पास जाएंगे उनको बोलेंगे परमानेंट इंक देने के लिए, वो आपको बोतल दे देगा, ठीक है। दूसरी हम आ जाते हैं ऑटोमेटिक मशीन, जैसे हमने वीडियो के शुरू में बताया था, ऑटोमेटिक मतलब उसमें काफ़ी फंक्शन है, जैसे कि ये इस तरह की हमारी ऑटोमेटिक है, आप स्क्रीन देख रहे हो, ये टच स्क्रीन होता है, ठीक है, इसको आप टच कर सकते हैं, ये देखें टच करके कुछ भी आप आगे पीछे जो है नंबर्स को कर सकते हैं, तो ये हमारी टच वाली मशीन हो गई। दूसरी चीज़ इसमें HP का कार्ट्रेज लगता है। कार्ट्रेज क्या होता है, जो अक्सर आपने देखा होगा प्रिंटिंग मशीन में लगते हुए, लेकिन इस मशीन में कार्ट्रेज लगता है इस तरीके का, ठीक है, जो इसकी कीमत होती है सिर्फ 4400 रुपये होती है। तो आपको ये वाली मशीन जो है हम आपको 1 साल की वारंटी के साथ देने वाले हैं। इसमें क्या है कि आप 4-5 फंक्शन, बहुत सारे फंक्शन है, मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। आप लोगो वगैरह प्रिंट कर सकते हैं, बारकोड प्रिंट कर सकते हैं, और कुछ भी अगर अपना प्रोफाइल फाइल बना रहे हैं लोगो वगैरह के साथ, ठीक है, कंपनी का एक डिटेल बनवा रहे हैं, तो वो बना के आप पेन ड्राइव के थ्रू इसमें जो है आप इजेक्ट करके जो आराम से लगा के जो है आप इसको यूज कर सकते हैं। तीसरी चीज़, जैसे कोई प्रोडक्ट आपने जैसे करना है बैच कोडिंग, MRP वगैरह,
तो पहले ही इसमें आपने जो है ड्राफ्ट में सेव करके रख लिया, और कभी आपको यूज करना तो बार बार चेंजेस या बार बार जो आपको लोगो इसमें डालना नहीं पड़ेगा, एक बार सेट रहेगा। फाइल नेम ओपन करेंगे और हमारा ये बटन होता है एक, ये देखिए इस तरह का, और हम इसे यहाँ से स्टार्ट, यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे। हमने जैसे स्टार्ट कर दिया तो मैं आपको एक डेमो के लिए एक नंबर प्रिंट करके दिखाता हूँ। इसमें काफ़ी फंक्शंस होते हैं, जब हमारे ऑफिस आप आएंगे तो मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा, और वो व्हाट्सअप पे अगर मंगाते हो तो व्हाट्सअप में आपको पूरी वीडियोस भेज दूंगा कैसे ये मशीन वर्क करती है। मैं आपको एक नंबर जो है आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ। जैसे हमारी ये मशीन है, इस तरह का आपका नंबर जो है प्रिंट हो जाता है। जैसे हमने इसी में, जैसे आप ये देख लें दोस्तों, इस तरीके से आप जो पाउच के ऊपर FSSAI नंबर होता है वो प्रिंट कर सकते हो, अपनी कंपनी का मैन्युफैक्चर बाय जो भी कंपनी का नाम होता है, एड्रेस होता है, वो प्रिंट कर सकते हो। आपको इसी मशीन से डेट वगैरह प्रिंट करनी है तो वो भी कर सकते हो। आप ये सिर्फ पाउच पे नहीं, किसी भी सर और पाउच के अलावा किस किस चीज़ों पे प्रिंट? ये जो हमारी ऑटोमेटिक मशीन है ये तो काफ़ी चीज़ों पे चलता है, बोतल वगैरह पे अभी आप प्रिंट कर सकते हो, और पाउच हो गया, डब्बा हो गया, प्लास्टिक डब्बा, कुछ भी आप प्रिंट कर सकते हो। लोगो, MRP, बैच, को काफ़ी फंक्शन है इस मशीन में। वो उन लोगों के लिए है जो आपका 18-20 हज़ार रुपये का बजट जिनका है ना, वो इस तरह की मशीन लगा सकते हैं, और जिन भाइयों का कम का बजट है तो आप इस तरह की मशीन आप ले सकते हैं मैनुअली। क्या प्राइस सर इसका? जो इस वाली मशीन है हमारे, इसमें हमारे पास 18 हज़ार से स्टार्ट हो जाता है और 27 हज़ार तक की मशीनें हमारे पास आती है। वो डिपेंड करता है इसकी बॉडी पर और इसकी जो है इसके अंदर में जो कार्ट्रेज होता है, बैटरी होता है, इसका काफ़ी फंक्शंस होते हैं जो एक्स्ट्रा होते हैं, उसके ऊपर डिपेंड पड़ता है। सेंसर वगैरह हम एक्स्ट्रा लेते हैं तो थोड़ा कॉस्ट हमारा बढ़ जाता है, तो हम जब बात करेंगे जब हमारे ऑफिस में आप आएंगे। दोस्तों अगर आपको इस तरीके की बैच कोडिंग मशीन चाहिए हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट डिटेल मिल जाएगी, और आपको स्क्रीन पे भी नंबर दिख रहे हैं, आप इन नंबरों पे कॉल करके ये मशीन ले सकते हैं और इनसे जुड़ी सारी डिटेल पता कर सकते हैं। बाकी दोस्तों आपकी मर्जी, जैसे आप करना चाहो। आशा करता हूँ दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर नया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी अलग धमाकेदार बिजनेस आइडिया के साथ।